दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला केंद्र ही करेगा। अदालत के इस फैसले से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। भारत के संविधान के आर्टिकल 239AA के तहत भारत की यूनियन टेरिटरी में पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े मामलों में पावर केंद्र के हाथ में है और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे अपने आदेश में भी बरकरार रखा है। दरअसल दोनों के बीच कई मुद्दों पर अधिकारों को लेकर टकराव होता रहा है और 24 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा है कि हाई कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। गुजरात सरकार को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पाटीदार आंदोलन के बाद आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को हाई कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है। राज्य में उच्च जाति के लोगों के लिए गुजरात सरकार के जरिए दिए गए 10% आरक्षण पर हुई PIL को लेकर गुरुवार गुजरात हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक बताया है। गौरतलब है कि आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में आंदोलन कर रहा पाटीदार समुदाय भी सामान्य वर्ग में आता है। सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता। राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल काट चुके हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा था, जो बाद में हिंसक हो गया। एक दिवसीय सार्क का गृह मंत्री सम्मेलन का आगाज गुरुवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सम्मेलन का आगाज करते हुए कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद सार्क ने दक्षिण एशिया में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में सराहनीय योगदान दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद और संगठित अपराधों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। हमें संगठित अपराध और आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए एकजुट होकर चुनौती का सामना करना होगा। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में ऑपरेशन जोबे अजब की बदौलत आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र संगरूर आते हुए गुरुवार सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान फेसबुक पर अपनी कार में बैठे हुए वैसे ही लाइव हुए जैसे वो संसद के विवादित वीडियो में हुए थे। मान ने तंज कसा कि वो ऐसा करके अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद मान ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। मान ने कहा कि इसके बावजूद मैंने बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन अब मुझे कह रहे हैं कि अपनी लिखित माफी में से प्रधानमंत्री और पठानकोट की बात हटा लूं, लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, चाहे वो मुझे पार्लियामेंट से ही क्यों ना निकाल दे। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, मैं नशे का आदि हूँ। देश में पहली बार इनकम टैक्स विभाग बड़े पैमाने पर टैक्स माफी देने पर विचार कर रहा है। इसके पीछे सोच ये है कि इससे लंबित कानूनी मामले घटेंगे, टैक्स वसूली का खर्च कम होगा और बड़े कर चोरों पर फोकस करने में मदद मिलेगी। सरकार करीब 40 लाख लोगों पर 600 करोड़ रुपए का बकाया इनकम टैक्स माफ करने पर विचार कर रही है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन पर 5,000 रुपए से ज्यादा टैक्स बकाया नहीं हो। 3 साल के भीतर ऐसे बकायेदारों की संख्या 44 लाख तक पहुंच गई है। सरकार 5,000 रुपए तक के रिफंड के मामले निपटने में भी तेजी ला रही है। इस संबंध में इनकम टैक्स विभाग ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। आम नागरिकों और सरकार के लिए भी फायदेमंद माने जाने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संशोधन बिल कल राज्यसभा में पास हो गया। ऊपरी सदन में करीब 8 घंटे की लंबी चर्चा के बाद देर शाम बिल पर वोटिंग हुई। संशोधन बिल के पक्ष में 203 वोट पड़े, जबकि जयललिता की पार्टी AIADMK ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बिल के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी दलों और उनके सदस्यों को धन्यवाद कहा। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल के पास होने के बाद केक काटकर खुशियां मनाई। इससे पहले उन्होंने ही संशोधित बिल को सदन के पटल पर रखा था। उन्होंने GST को बीते एक दशक का सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार करार दिया। जेटली ने बताया कि GST से भारत एक समान मार्केट में बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा ने GST बिल को सिलेक्ट कमेटी में सौंपा था। ज्यादातर दलों में इस बिल को लेकर सहमति बन गई है।
केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान संशोधन विधेयक 2016 को कल मंजूरी दे दी। विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और हिट एंड रन मामलों के लिए 2,00,000 रुपए का मुआवजा शामिल है। सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10,00,000 रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान विधेयक में किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोष लोगों की जान बचाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित है और इसमें निर्धारित गति से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कल अपना इस्तीफा राज्यपाल ओपी कोहली को सौंप दिया। अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर में चली बैठकों के दौर के बाद आनंदीबेन के अलावा बीजेपी प्रभारी दिनेश शर्मा और वी सतीश राजभवन पहुंचे, जहां सीएम ने अपना इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाली आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मंजूर किया गया। इसके बाद शाम 5 बजे आनंदीबेन गवर्नर को अपना इस्तीफा देने पहुंची। हालांकि जब तक नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं होती है, आनंदीबेन कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बनी रहेगी। आनंदीबेन ने इस्तीफे के बाद आज सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद पहुंच गए हैं। शाह बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। बैठक में वी सतीश और दिनेश शर्मा समेत बीजेपी के मुख्यमंत्री के संभावित दावेदार भी मौजूद रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकर सिंह वगेला और अन्य के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ये मामला मुंबई में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की एक प्रमुख जमीन की बिक्री से संबंधित है, जिसे सरकारी खजाने को कथित रूप से 709 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने पिछले साल संज्ञान लेते हुए आपराधिक भ्रष्टाचार का मामला दायर किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अब मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दायर किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी इस मामले में सीबीआई और अन्य एजेंसियों से जानकारी जुटाने के बाद जांच की है। इसके अलावा उसने आरोपियों द्वारा जुटाई गई अपराध की कमाई की पहचान भी की है। वगेला और अन्य लोग जिनका नाम एफआईआर में है, को जल्द पूछताछ के लिए समन किया जाएगा। कश्मीर घाटी में कल ताजा झड़पों में कई सुरक्षा कर्मियों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। इस बीच यहां एक अस्पताल के बाहर पैलेट गन से एक युवक की मौत के बाद घाटी में जारी अशांति में मरने वालों की तादाद 51 पहुंच गई। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपायों के तहत घाटी के कई और इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन शहर के छत्ताबल इलाके सहित कई जगहों पर इन आदेशों का उल्लंघन हुआ। छत्ताबल का रहने वाला रियाज अहमद कल रात कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा मारा गया था। घाटी के कई हिस्सों से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें आई हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई, जिसमें कई सुरक्षा कर्मियों समेत दर्जनों लोग घायल हुए। अनाधिकारिक रपटों में घायलों की संख्या 70 बताई गई है। दलितों पर हुए हमलों की घटनाओं से होने वाले नुकसान को भांपते हुए आरएसएस ने डैमेज कंट्रोल की कमान संभाल ली है। गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं और ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर है, लिहाजा संघ अब दलितों को लुभाने की योजना बनाने में जुट गया है। इसकी शुरुआत आरएसएस ऊना से ही कर रहा है, जहां दलितों के लिए सामाजिक समरसता आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक दलितों के घर जाकर संघ के इतिहास के जानकारी देने के साथ ही दलितों को बताएंगे कि संघ अपनी स्थापना के समय से दलितों के साथ रहा है। संघ के स्वयंसेवक रक्षाबंधन का कार्यक्रम दलित बहनों के साथ मनाकर सामाजिक समरसता का संदेश देने की कोशिश करेंगे। मायावती पर टिकटों में धांधली का आरोप लगाने के बाद बहुजन समाज पार्टी छोड़ने वाले पूर्व बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मौर्य और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच बैठक हुई। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 8 अगस्त को आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता स्वीकार कर सकते हैं। पिछले दिनों मौर्य ने बीएसपी की चीफ मायावती पर टिकटों में खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अम्बेडकर के सपनों को बेचा है, पार्टी में दलितों की कोई सूझ नहीं ले रही।
राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी से क्लीन चिट मिलने के बाद नरसिंह यादव को कल यूनाइटेड विश्व कुश्ती से भी रियो ओलंपिक में भाग लेने की इजाजत मिल गई। नादा ने सोमवार को नरसिंह को बेकसूर ठहराया था। वे UWW के जवाब का इंतजार कर रहा था क्योंकि भारतीय कुश्ती महासंघ ने 74 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में उसके नाम पर पूर्ण विचार करने का आग्रह किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, नरसिंह को नाडा से क्लीन चिट मिलने के तुरंत बाद हमने विश्व इकाई को पत्र लिखकर उसके नाम पर पूर्ण विचार करने के लिए कहा। मुझे आज ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड विश्व कुश्ती का जवाब आ गया है जिसने नरसिंह को रियो ओलंपिक में खेलने की अनुमति दे दी है।